अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक टर्न आउट गियर विद इंसेंबल कंपोनेंट्स पाकिस्तान में वो कितने का आता है। ये जो आपके सामने ये एक फायर फाइटिंग सूट है और ये बूट, ग्लव्स और हेलमेट, इनको इंसेंबल कंपोनेंट्स कहते हैं, जो ट्रोज़र और कोट के साथ आते हैं। तो इसकी पाकिस्तान में प्राइस कितनी है वो आपको मैं रीजनल इसका जो परचेज आर्डर है वो दिखाता हूँ। ये है फायर फाइटिंग सूट और ये जो ऊपर हेलमेट है ये इसके इंसेंबल कंपोनेंट्स हैं। नीचे इसके बूट पड़े हुए हैं और साथ इसके ये जो ग्लव्स हैं, ये सारी चीज़ें एक सेट बनता है, उससे ये कम्प्लीट होता है। ये हम फायर फाइटिंग करने से पहले पहनते हैं, ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो रीजनल परचेज आर्डर है उसमें इसकी प्राइस कितनी है। तो सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे कॉलम तीन बने हुए हैं, लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस। ये जो पहली आइटम है ये हमारी नहीं है, हमारी आइटम है दूसरी। जो सेकंड आइटम है आप उसकी डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं। इसके जो सेंटर वाला कॉलम है जिसमें इसकी यूनिट प्राइस थी वो आप देखें। एक की ये जो प्राइस है ये डॉलर्स में है, ठीक है। एक की जो प्राइस है वो $2017 है और पाकिस्तान में आज कन्वर्ट किया है तो ये 4,19,195 रुपये बनते हैं। दो सूट हमने ऑर्डर किए हैं, ठीक है जी। तो इनकी प्राइस, ये एक सूट की जो प्राइस है वो ये मेरा टर्न आउट गियर है, तो आप कह लेंगे जब मैं फायर फाइटिंग करता हूँ एमरजेंसी में या नॉन एमरजेंसी में या ड्रिल्स करते हैं, तो मैं ये एक जो सूट है वो 4,19,195 रुपये का पहनता हूँ, ठीक है जी। तो क्या कभी आपने इतना महंगा सूट पहना है? मेरा नहीं ख्याल इतना महंगा सूट आपने पहना होगा 4,00,000 रुपये का। तो ये सूट इतने महंगे क्यों होते हैं, इसकी कुछ ख़ास बात होती है। जैसा कि ये आपके सामने एक कोट है, तो इसकी जो आउटर लेयर होती है ये मॉइस्चर बैरियर होती है और ये डेल्टा नोमैक्स से बनती है, यानी इसका जो मटेरियल है वो फायर रेजिस्टेंट कॉटन होता है। ये फायर ब्लॉकर होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है और इसके जो अंदर वाली ये जो लेयर है ये थर्मल बैरियर के तौर पे काम करती है, यानी बेसिकली ये सूट हमें आग से बचाने के लिए काम आते हैं। तो ये इसके अंदर इसकी स्पेक्स लिखी हुई हैं और ये इसका स्टैंडर्ड बनाया गया है EN 469 2005। इट्स मीन कि ये इस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है और ये Level 2 फायर फाइटिंग सूट होते हैं क्योंकि ये काफ़ी प्रोटेक्शन फायर फाइटिंग के दौरान हमें देते हैं। उसके बाद इसके ट्रोज़र की बात करते हैं, ट्रोज़र का भी वही हिसाब होता है, ये फायर रेजिस्टेंट कॉटन है और इसके अंदर ये मॉइस्चर बैरियर है, हीट रेजिस्टेंट है और इसके अंदर थर्मल बैरियर की कोटिंग होती है। ये जो रिफ्लेक्टिंग टेप्स होती हैं रात को जब हम काम करते हैं तो भी हम नज़र आ रहे होते हैं, आपको पता जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये चमकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके हेलमेट की, ये फाइबर ग्लास का हेलमेट है और बहुत ही मजबूत हेलमेट है। ये हेड एडजस्ट करने के लिए होता है और इसके साथ ये स्ट्रैप्स लगी होती हैं। बड़ा वजनी किस्म का और सॉलिड किस्म का हेलमेट है, ये रोजनबोर कंपनी ने बनाया है। ये रोजनबोर जो कंपनी आप लोगों देख सकते हैं USA की कंपनी है और बड़ी क्वालिटी की चीज़ें बनाती है। ये सिर्फ हेलमेट नहीं बनाती, ये बड़ी बड़ी फायर ट्रक्स, फायर व्हीकल्स बनाती है और ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसके आगे ये वाइज़र लगा होता है, ठीक है जी। ये डबल वाइज़र है इसके साथ, ठीक है। एक ये बड़ा वाइज़र है, इसके साथ जो ग्लासेस वाला वाइज़र वो भी लगा हुआ है। तो ये एक बड़ी सॉलिड चीज़ है। और उसके बाद अगर हम ग्लव्स की बात करते हैं तो ये ग्लव्स बनाए गए हैं, ये इसका स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड 659 2003 से ये मीट करता है। और ये ग्लव्स हैं, ये एलुमिनाइज्ड ग्लव्स होते हैं, यानी कि जो उनका मटेरियल है वो केवलर नाइटेड मटेरियल इसका है, एलुमिनाइज्ड मटेरियल, ठीक है। तो ये भी हमें हीट से और आग से बचाता है। और इसके जो बाद जो बूट हैं, बूट की बात करते हैं तो ये इसके साथ ये लेदर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जब हम बूट पहनते हैं उतारते हैं तो ये हमें हेल्प करते हैं। उसके आगे ये इसकी सेफ्टी टो लगी होती है और इसकी भी बड़ी क्वालिटी है। इसका वजन तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि आप इसकी जो बूट की बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो ये बेसिकली हमें जो हीट फ्लो होता है उससे इसकी रेजिस्टेंस एक्सीलेंट रेजिस्टेंट है, फिर ये डायरेक्ट हीट से अगर गर्म चीज़ से इसका कॉन्टैक्ट हो जाए उससे हमें बचाता है। उसके अलावा ये केमिकल्स, ऑयल्स, फ्यूल्स, कार्ट्स, एब्रेशन, इन सारी चीज़ों से ये हमें चीज़ें बचाती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमने पहनी होती हैं तो उसके बाद जब हम फायर फाइटिंग के जाते हैं तो हम काफ़ी अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास अपने हिफाजती लिबास है, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, वो हमारे पास है। तो आप लोगों को भी चाहिए, आपकी इंडस्ट्रीज को भी चाहिए, आपको इस तरह के जो स्टैंडर्डाइज फायर फाइटिंग सूट हैं वो प्रोवाइड करें ताकि आपकी जो जान है वो उसको बचाया जा सके और जो
आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, मैं भी एक फायर का स्टूडेंट हूँ, मुझसे कोई चीज रह गई हो, कोई मिस हो गई हो तो आप लाजमी बताएं ताकि मेरे नॉलेज में इजाफा हो, और किसी भी किस्म की फायर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी हो जहाँ तक पॉसिबल हुआ, जहाँ तक हो सका मैं आपको बताऊंगा। अपने चैनल पर मैं जॉब्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, उनसे भी आप फायदा उठा सकते हैं और मेरी रहनुमाई भी कर सकते हैं। आप मुझसे किसी भी वक्त व्हाट्सएप पे, ई मेल पे, कॉमेंट पे रब्ता कर सकते हैं, आपको कभी भी डिले नहीं करूंगा, इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, चाहे मैं बिजी भी हूंगा तो मैं आपसे रब्ता इंशाल्लाह जरूर करूंगा। दुआओं में याद रखना, थैंक यू वेरी मच।